हेलो दोस्तों, अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये दोस्तों देखिए, 6 एम्पेयर का कंबाइंड है। मैं इसकी वायरिंग करना बताऊंगा। ये बोर्ड आपको बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वायरिंग करने में आपको दिक्कत परेशानी होगी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप किस तरह से आप घर पर ही इस तरह के बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है, इसमें देखिए एक स्विच और एक 2 पिन सॉकेट और एक 5 पिन सॉकेट है। ये 6 एम्पेयर का कंबाइंड है, बाज़ार में रेडीमेड आपको मिल जाता है, लेकिन कनेक्शन इसमें आपको ही करने पड़ेंगे या किसी इलेक्ट्रिशियन से कराने पड़ेंगे। तो प्लीज़ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको कनेक्शन करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, आप बहुत आसान तरीके से कनेक्शन कर लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, हम इसके 4 स्क्रू हैं, सबसे पहले ये 4 स्क्रू खोल लेते हैं। ठीक है, 4 स्क्रू हमने खोल लिए। ठीक है दोस्तों, 4 स्क्रू खोल लिए हैं। अब हम आपको बताएंगे किस तरह से आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं, वो भी झटपट। सबसे पहले ये जो हमारा स्विच है, स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हम दे देंगे फेस। ठीक है दोस्तों, स्विच के देखिए नीचे वाले पॉइंट पर हमने दे दिया फेस। ठीक है दोस्तों, हम आपको बताएंगे आपके किस तरह से आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब स्विच एक स्विच से हमें 2 सॉकेट कनेक्शन करने हैं, तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हमने फेस काटा ये। ठीक है, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हमने फेस काट लिया है। ठीक, अब दे देंगे हम 2 पिन सॉकेट को, क्योंकि एक स्विच से हमें 2 सॉकेट कनेक्शन करने हैं, तो वो भी मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा। हमने 2 पिन सॉकेट को फेस दे दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर इसी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम फेस काट कर, ठीक है, इसी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम देखिए फेस काट लिया है। अब हम दे देंगे 5 पिन सॉकेट को। ठीक है दोस्तों, देखिए दे इसी स्विच से फेस काट कर हमने दे दिया 5 पिन सॉकेट को। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं आगे कनेक्शन आप किस तरह से कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। अब देना बोर्ड में न्यूट्रल, ब्लू कलर का ले लिया हमने न्यूट्रल, और दोस्तों हम न्यूट्रल देंगे 5 पिन सॉकेट को। जो सॉकेट का जो पॉइंट खाली हमारा, ये हम दे देंगे 5 पिन सॉकेट पे न्यूट्रल। ठीक दोस्तों, ये न्यूट्रल दे दिया हमने। ठीक, और यहीं से न्यूट्रल उठा के दे देंगे हम 2 पिन सॉकेट को। न्यूट्रल हमेशा हम बताते कॉमन होता है, तो न्यूट्रल सॉकेट से उठा के हम 2 पिन सॉकेट को न्यूट्रल दे देंगे। वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हमें करना ये, ठीक है दोस्तों, ये वायरिंग समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, चेक कर बताते हैं आपको। चेक करते समय हमेशा दोस्तों मैं बताता हूं कि हमेशा आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। चेक देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले 5 पिन सॉकेट चेक करते हैं। ये देखिए,
हमने करंट दे दिया, देखिए हमने ये देखिए स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, स्विच से देखिए ऑन ऑफ हो रहा है ये। अब हम चेक करेंगे दोस्तों टू पिन सॉकेट में हमने करंट, ये ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ठीक है दोनों एक स्विच से दोनों सॉकेट काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने की बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से दोस्तों आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे।